नमस्कार साथियों, वंदे मातरम। बात करेंगे दोस्तों चिकित्सा विभाग की तीन बड़ी खबरों को लेकर के। इस वीडियो में दोस्तों काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। दोस्तों बताना चाहेंगे, नर्सिंग ऑफिसर की नई भर्ती निकाली गई है। राम मनोहर लोहिया जो अस्पताल है वहाँ से BSc नर्सिंग वाले जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि क्या रहने वाली है, पद, योग्यता, आयु, फीस, सब कुछ आपको इस वीडियो के अंतर्गत मिलने वाली है। BSc नर्सिंग वाले अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा खासा वेतन आपको इस जो है भर्ती में मिलने वाला है, तो इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इसी के अलावा दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि 7 भर्तियों के परिणाम का इंतजार है। ANM, GNM, CHO, सूचना सहायक, कृषि पर्यवेक्षक, संगणक और कनिष्ठ लेखाकार, परिणाम पूर्ण रूप से तैयार किया जा चुका है। चुनाव आयोग की अनुमति का अभी जो है इंतजार है। जैसे ही अनुमति मिलेगी इनका जो है परिणाम जारी हो जाएगा। ANM का, GNM का, CHO का, इन सब का जो है परिणाम जारी हो जाएगा चुनाव आयोग से अनुमति मिलते ही। इसी के अलावा CHO भर्ती 2020 को लेकर के जो है बड़ी कार्रवाई की गई है। इसमें CMHO के पद पे जो तैनात थे नरेश कुमार जी, उनको गिरफ्तार किया गया है। SOG की बड़ी कार्रवाई की गई है। तो क्या कुछ मामला है, चलिए दोस्तों इस वीडियो के अंतर्गत पूरी जानकारी लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो दैनिक भास्कर जोधपुर की ये खबर है, 30/3/2024 आज ही की खबर है। आचार संहिता में फंसे परिणाम, चयन बोर्ड ने आयोग से मांगी परिणाम जारी करने की अनुमति। यहाँ पे आप देख सकते हो कौन कौन सी ये 7 भर्तियाँ हैं, सूचना सहायक, ANM भर्ती, GNM भर्ती, कृषि पर्यवेक्षक, कनिष्ठ लेखाकार, संगणक और CHO भर्ती, जो 3 मार्च को की गई थी। ये 3 मार्च को इसका आयोजन किया गया था। अभी तक परिणाम नहीं जारी हुआ है, केवल और केवल बस चुनाव आयोग की अनुमति मिलते ही इनका परिणाम जारी कर दिया जाएगा। 7 लाख अभ्यर्थियों को इंतजार है। चुनाव आयोग अनुमति दे तो 7 भर्तियों का परिणाम जारी हो और इन बेरोजगारों को जो है खुशियां मिले। लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने के कारण इन भर्तियों की जो है परिणाम जारी नहीं हो सके। 17,271 पदों पे ये जो है परिणाम अटके हुए हैं। इसी के अलावा यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो क्या कुछ कहना है। आलोक राज जो कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष है, यहाँ पे कहना है कि परिणाम जारी करने के लिए सरकार से अनुरोध किया गया है। पिछले दिनों कर्मचारी चयन बोर्ड की 7 बड़ी भर्तियां आयोजित कराई गई थी। इन भर्तियों का प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम अभी जारी नहीं किया गया है। इसके लिए राज्य सरकार से आग्रह किया जा रहा है कि चुनाव आयोग से अनुमति ली जाए। जैसे ही अनुमति मिलेगी परिणाम जारी करने का प्रोसेस शुरू कर दिया जाएगा। हमारी ओर से परिणाम पूरी तरह से तैयार है। आलोक राज अध्यक्ष, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। तो दोस्तों ये 7 भर्तियां हैं, ANM, GNM और कृषि पर्यवेक्षक और CHO, ये भर्तियों के जो है परिणाम तैयार हो चुके हैं। बस जल्द ही इनका परिणाम आने वाला है जैसे ही अनुमति मिलेगी। दूसरी अगर बड़ी खबर की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो CHO भर्ती 2020 को लेकर के जयपुर में SOG की बड़ी कार्रवाई की गई है। यहाँ पे जो है आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। चूरू स्वास्थ्य केंद्र पर जो कार्यरत थे नरेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर जो है तैनात था नरेश कुमार। प्रकरण में पहले से गिरफ्तार रमेश कुमार से पूछताछ के बाद यह कार्रवाई की गई। नरेश कुमार ने रमेश के मार्फत यूनिक आभू से खरीदा था CHO परीक्षा का पेपर। 5 लाख में खरीदा था CHO परीक्षा का पेपर। SOG अब कर रही प्रकरण में पूछताछ। तो दोस्तों ये जो भर्तियां है CHO भर्ती 5-5 लाख में जब पेपर बिक चुके हैं, आपको पता होगा इसमें फर्जीवाड़ा काफ़ी देखने को मिला था और सरकार ने इस भर्ती को जो है रद्द कर दिया था। और उसके बाद में अभी दोबारा ये भर्ती जो है की गई थी CHO भर्ती, अब उसका परिणाम आने वाला है। लेकिन ये जो CHO भर्ती 2020-30 में काफ़ी फर्जीवाड़ा जो है देखने को मिला, और क्यों ये फर्जीवाड़ा हुआ इसको लेकर के CMHO को जो है गिरफ्तार किया गया है। इन्होंने 5-5 लाख रुपये में इन बेरोजगार युवाओं को जो है पेपर बेचा और इनके साथ जो है धोखाधड़ी की गई। तो इसी के कारण जो है राजस्थान में ईमानदार जो युवा है उनको नौकरी का सपना जो है चूर हो जाता है। इसी के अलावा दोस्तों अगली बड़ी खबर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो दैनिक भास्कर जयपुर से ये अपडेट है, आज ही की ये अपडेट है। यहाँ पे दोस्तों डॉक्टर
राम मनोहर लोहिया अस्पताल है, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में नर्सिंग ऑफिसर के 665 पदों पर है। आवेदन 21 अप्रैल तक। यहाँ पे इसकी ऑफिशियली वेबसाइट आप देख सकते हो, जैसे ही इस ऑफिशियली वेबसाइट को आप ओपन करोगे तो इसका जो है इंटर्नशिप ऐसा खुल करके आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, और इसका जो है पूरा नोटिफिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हो। हमने इसको ओपन कर लिया है, क्या कुछ मामला है यहाँ पे आप देख सकते हो। पदों का विवरण यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो, श्रेणीवार रिक्त पदों का विवरण में नेम ऑफ पोस्ट नर्सिंग ऑफिसर। अगर पदों के विवरण की बात की जाए तो जनरल के जो है 252 पद यहाँ पे रहने वाले हैं, एससी की बात करें तो 143 है, एसटी के 12 है, ओबीसी के 177 पद है, और ईडब्ल्यूएस के 81 पद है। टोटल 665 पदों पे जो है ये वैकेंसी होने वाली है नर्सिंग ऑफिसर की। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो, ये रहा वेतन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे लेवल 7 के अनुसार आपको वेतन मिलेगा 44,900 रुपये से 1,42,000 रुपये तक का आपको जो है वेतन मिलने वाला है, और बेसिक रहेगा 44,900 रुपये। इसके अलावा जो है एडिशनल आपको अलग से दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर के लिए क्वालिफिकेशन आपकी रहने वाली है बीएससी नर्सिंग फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग रजिस्ट्री इंस्टीट्यूट ऑफ बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट पोस्ट बीएससी नर्सिंग इंडियन नर्सिंग काउंसिल, यानी बीएससी नर्सिंग वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए, यानी कि किसी भी स्टेट का जो अभ्यर्थी है इसमें अप्लाई कर सकता है। और ये जो है आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, जो है 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 50 बेडेड का हॉस्पिटल का जो है आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों आयु सीमा की बात की जाए तो 18 वर्ष की आयु कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक का अभ्यर्थी इसमें अप्लाई नहीं कर सकता है। फीस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे फीस आप देख सकते हो, जनरल वालों की 1180, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों की 1180, एससी एसटी की जो है 708 रुपये यहाँ पे रहने वाली है। इस प्रकार से इसकी ऑफिशियली वेबसाइट यहाँ पे आप जाकर के देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियली वेबसाइट है। नर्सिंग ऑफिसर के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हो तो बीएससी नर्सिंग वाले जो स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अच्छा खासा वेतन रहने वाला है, परमानेंट आपकी वैकेंसी इसमें रहने वाली है। इसी के अलावा दोस्तों सारी जानकारी हमने आपको दे दी है, तो आप जाकर के इसका फॉर्म अभी से भर सकते हो। फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 21 अप्रैल इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो दोस्तों ये 3 बड़ी खबरें थी चिकित्सा विभाग को लेकर के। इसी के अलावा अन्य कोई जानकारी होगी तो हम आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। रोजाना हमारा वीडियो आपको 2 से 3 बजे के बीच में देखने को मिलेगा। फिर भी अगर आपकी कोई भी समस्या है तो आप हमें नीचे कमेंट्स कर सकते हो, हम आपके कमेंट्स का रिप्लाई अवश्य करेंगे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत।